2016 का इसमें दिखा रहे हैं कोई बाकी। जी जनाब, तो हम आ गए अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ और आज हम क्या कहते हैं रिएक्शन करने जा रहे हैं फराज, जो हंसल मेहता जो डायरेक्टर हैं जिनका हमने देखा हुआ 1992 स्कैम जो बहुत ही हिट हो गया था और BGM वगैरह हर टिकटॉक वीडियो पे हमें मिलने सुनने को मिलता रहा उसका उनकी कोई नई मूवी आ रही है फराज, उस पर हम रिएक्शन करने जा रहे हैं। बहरहाल अब अनुभव सिन्हा भी इनमें है, इनमें बहरहाल एक्टर शेक्टर वगैरह कुछ नहीं पता मुझे, कोई आइडिया नहीं है क्या मूवी है क्या स्टोरी है, हम देखेंगे तो पता चलेगा जो भी है। हंसल मेहता, हाँ तो हमारे साथ स्टार्ट लें आप भी देखें, स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ ज़ैफ़ा, मैं हूँ इस्माइल, मैं हूँ फरहान और आप देख रहे हैं मिस रिएक्शन यूट्यूब चैनल। मसाज चैनल भी नाम अच्छा है वैसे नया बनाएंगे अपने चैनल बारल बरल स्टार्ट करते हैं क्योंकि कुछ कहने को है नहीं, सीधा वीडियो पे आते हैं। ठीक है टी सीरीज का ये 2016 का इसमें दिखा रहे हैं कोई बाकी है। जिस तरीके से इन्होंने एंट्री ली है ना, लगा ही था कि ऐसा कोई सीन होने वाला है। आते ही फाइट के ताजमहल वगैरह जो पहले हाईजैकिंग मूवीज आई है ना वो तकरीबन यहीं से स्टार्ट होगी। यार कुछ नया करो यार, सेम चीज़ पैकिंग बदल के डाल देते हैं हर वीडियो में। मैं तुम्हारी कितनी वीडियो मूवीज देख ली है मैंने सेम तरह की। ये होती है जब बंदे कुछ बनाने को ना क्रिएटिव, तो वही बार बार एक ही चीज़ को नई पैकिंग में डाल के ना। हाँ माना कि हर चीज़ का डिफरेंट व्यू होता है, हम ये नहीं चाहते हर चीज़ में मसाला ही हो, पर अच्छा अच्छा अच्छी हो ना ऐसी है। फराज हुसैन बांग्लादेश का शहजादा, ये इस्लाम के ठेकेदार बंदे बेंचो मेरा बेटा वहां पूरी रात से अंदर फंसा हुआ है, अगर आप लोगों से नहीं हो रहा तो मुझे बताइए, आई विल गो इन। हंसल मेहता इस्लाम खतरे में है, स्टॉप इट। हमारी आइडेंटिटी हमारे कल्चर से आती है, सिर्फ हमारे रिलीजन से नहीं। आई एम हाउ एवरी बात ठीक ही है, एक आपको मुसलमान होने के लिए अच्छा इंसान होना जरूरी है। What the fuck is your problem? तुझे चाहिए क्या यार? रोकड़ा अपना इस्लाम वापस ले। तो ये आ रही है मूवी सिनेमा में थर्ड फेफ को मज़ा नहीं आ रहा लेकिन बारह, हाँ खास तो नहीं थी इसमें। खैर इसमें स्टोरी एक नई है, एक मुसलमान जो है वैसे ही वो कह रहा है कि मुजफ्फर वाली बात वो दोबारा रीपैकिंग कर दी। नहीं मैंने बहुत सारी देख ली यार, वो भी हाल ही में कश्मीरी फायर आई थी, लेकिन हाईजैकिंग वाली मूवी ना कितनी तुम बता दो, कभी प्लेन कर लेंगे, प्लेन पर इतनी 3-4 पता नहीं 5-6-10-15 बन चुकी हैं वहाँ पर इंडिया में। उसके अलावा फिर इंडिया में हर यही मूवीज़ क्यों आपको बनानी होती है यार, कोई नया कोई आइडिया सोचो, चलो यही दिखानी है तो कुछ नया देखो। अच्छा वो हमने काफ़ी देखी मूवी, अब देखें कि एक्सट्रैक्शन को देख लो आप मूवी, क्रिस हेम्सवर्थ की थी, अब उन्होंने बनाई इंडिया में आके बनाई, लेकिन सीन वही था कि बच्चे को उठाना था, लेकिन उसमें कितना ट्विस्ट एंड टर्न्स थे यार, कितना ज़बरदस्त करके उसको पोर्ट्रे किया गया था। लेकिन यहाँ पे ना मतलब कि उसकी चीज़ पुरानी थी, ऐसे पहले भी मूवीज़ बन चुकी हैं कि उसमें कोई होता है एक हीरो होते हैं, कोई होता है मर्सनरी होता है जो एक किसी को आप भेजते हो ना रिपते हैं बचाने के लिए ना, लेकिन उसमें कुछ चेंज होते हैं चीज़ें वीज़ें वगैरह ना, काफ़ी काम किया था, लेकिन इसमें वहाँ आप जितनी मूवीज़ हैं वो सेम लाइन पर चल रही होती हैं ये वगैरह। ठीक है ज़्यादातर क्या करेंगे कि भाई ना वो डबल डुअल इमेज दिखाने के लिए कि भाई कभी वो विलन रख देंगे मुसलमान ही, तो मुसलमान रख देंगे, इनको बहुत बड़ा मसला है यार, छोड़ दो इस बात को। ठीक है और कोई टॉपिक पकड़ो। हाँ सही बात है बिल्कुल, बार 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 डिस्कस करने के लिए बहुत कुछ है यार क्रिएटिव बंदे के दिमाग में ना, बाकी भी तो बना रहे हैं ना, बाकी भी तो क्रिएटिव माइंड से काम ले रहे हैं। हाँ हमको नया माल चाहिए, नया माल
कुछ नया बनाओ, जनता कुछ नया मांगे, जनता मांगे समथिंग न्यू, ठीक है, समथिंग मोर, ओके। मतलब ये सर आपका रिएक्शन हमारा जो भी था तो हो गया, ठीक है, आप देख लेना जो आपको समझ आए ना, ठीक है। तो हाँ, 3 फरवरी को मूवी आ रही है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर OTT पर रिलीज़ हो तो अच्छी बात है। ऐसी मूवीज़ मेरे ख्याल से जो होती है ना वो OTT पर चल पाती हैं। सिनेमाज वगैरह अब आजकल ना ज़रा कोई अच्छी मूवी चाह रहा है इस तरह की मूवीज़ को, खास नहीं थी, हाँ है तो मतलब मटीरियल या OTT वाला, और नेटफ्लिक्स लिखा हुआ है, नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ होगी ये, बहरहाल जब भी होगी नेटफ्लिक्स, हाँ लिखा हो रहा है ऐसे, क्योंकि अब देख रहे हैं ना ऐसी जो मूवीज़ हैं थोड़ी सी चल भी नहीं पा रही वो सिनेमाज वगैरह में ना, हालांकि भेड़िया कितनी अच्छी मूवी थी वो तक नहीं चल पाई। हाँ बहरहाल अभी एक्शन हीरो देखी, हाँ देखनी है, वो रिलीज़ होगी तब तो देखेंगे ना जब नेट पे। और वो OTT उसकी भी आई थी एक्शन हीरो आयुष्मान खुराना की, वो भी नहीं चल पाई। मेरे ख्याल से OTT पे इतना सक्सेस मिल पाई थी, अगर मुझे लगता है एक्शन हीरो जैसी मूवीज़ ना डायरेक्ट नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ होती हैं तो ज़्यादा उसको रिकॉग्निशन मिलती है और तारीफ होती है। जैसे फ्रेडी मूवी थी कार्तिक आर्यन की, OTT पे कितनी उसको क्या कहते हैं, मेरे ख्याल सिनेमा में आती शायद ना कर पाती अच्छा, लेकिन OTT पे, और कार्तिक आर्यन ने रिक्वेस्ट की थी कि ये मूवी होनी ही रिलीज़ चाहिए OTT पे सीधा, पर नहीं माने, नहीं माने, OTT पे डायरेक्ट रिलीज़ की थी उन्होंने, डायरेक्ट की थी हाँ। और उसको कितना अच्छा रिव्यू मिला, फीडबैक मिला यार, काफ़ी लोगों ने पसंद किया उस मूवी को, और उसकी बहुत टाइम तक उसकी बात चलती रही, और कार्तिक आर्यन की बेस्ट मूवीज़ में से एक उसको माना गया, एक्टिंग में बड़ा जब चाहा गया, सीरियस एक्टिंग की थी बहरहाल। तो मतलब कि अब हर चीज़ को जहाँ उसकी तारीफ हो ना, जहाँ उसकी वैल्यू हो वहाँ पे उसको आना चाहिए ना, हाँ मार्केट प्लेस देख कर, हाँ वहाँ पर डाल देना, जब आपने बनानी है, बहुत सारी मूवीज़ बनती हैं और भी, तो वहाँ डालना, रिलेटेड बना लो यार, ऐसे ही है ना, जुलती डिफरेंट हो जाए, बिल्कुल ऐसे ही है। बहरहाल ये था हमारा रिएक्शन, वीडियो एंड करते हैं यहाँ पे, आपको पसंद आया होगा तो हमारे चैनल यूट्यूब चैनल को आप प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएँ, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स बर वक्त मिलती रहे, मिलती रहे, मिलती रहे। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, डू लाइक, ताकि हम और अच्छे से अच्छा कंटेंट बना सकें, ठीक है। बहरहाल आपके लिए मिलते हैं, तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, अस्सलामुअलैकुम, ख्याल रखिएगा, प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे क्लीन, सैनिटाइजेशन ज़रूरी है, कोरोना बेशक चला गया, अब तो कोई ना कोई आ रहा है, डेल्टा वायरस ये वो वगैरह फलाना ढमकाना आ ही जा रहे हैं, तो भाई क्या कहते हैं, अपनी सारी एहतियात है फिर भी करनी चाहिए, फास्ट फूड से भी थोड़ा सा बच के सेफ फूड खाएं। आपको हमारे चैनल पे आगे फिटनेस की टिप्स मिलती रहेंगी, ठीक है, ओके, टेक केयर।